विक्रम सपारिया का जन्म दक्षिण मुंबई के आलीशान घर में एक प्रसिद्ध व्यावसायिक परिवार में हुआ। बचपन से ही उन्होंने मनोगत विज्ञान का अध्ययन करने के सपने देखे थे। वह घटना घटने से पहले ही घटनाओं का पूर्वाभास करती थी। अपनी किशोर अवस्था में एक बहुत ही विद्वान जैन ऋषि ने उन्हें अपनी ऊर्जा का उपयोग करने की सलाह दी। इसीलिए उन्होंने कला में महारत हासिल करने हेतु विदेशी सर्वश्रेष्ठ विद्यालय में अध्ययन किया। शीतल जी पेशे से लाइफ कोच है और वह प्यार, पैसा, करियर, रिश्ते, खुशी और शांति के मामले में लोगों की मदद करती है। उनकी विशेषज्ञता कॉफी कप रीडिंग, आई चिंग, ड्राइंग एनालिसिस, वाइन रीडिंग, रूम रीडिंग, इमोशनल वेलनेस कोच, सिग्नेचर एनालिसिस, ड्रीम इंटरप्रिटेशन और बहुत कुछ है। उन्होंने कॉस्मोपॉलिटन, फेमिना, ग्राजिया आदि कई लेखों में छापा है। हेलो एंड वेलकम टू द शो। मैं हूं आपकी एंकर रहमत सैयद और मेरे साथ है एक्सपर्ट डॉक्टर शीतल छपारिया। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। चलिए वेलकम करते हैं उन्हें अपने शो पर। हेलो शीतल। हेलो। वेल शीतल, मुझे जैसे मैंने कहा हमारे व्यूअर्स को कि इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इंटरेस्टिंग टॉपिक ये है कि मैं जानना चाहती हूँ कि डू क्रॉस मैरिजेस वर्क? दिस इज एक्चुअली द नीड फॉर द आवर। सो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा टॉपिक है, बिकॉज नाउ डेज अगर आप देखो तो इट इज़ नो मोर कि आप अपने ही रिलीजन में शादी करते हैं, या बिकॉज नाउ डेज लड़का और लड़की दोनों ही दे आर वर्किंग प्रोफाइल्स हैं। और इतनी टाइम आपने देखा होगा कि द गर्ल इज स्टडिंग अब्रॉड या द बॉय इज स्टडिंग अब्रॉड, एंड स्पेशली अगर इंडिया में भी है बट दे हैव टेकन सच कोर्सेज जो बहुत टाइम लगने वाले। इट्स नो मोर कि 18 पे ही लड़की की शादी करनी है या तो अब 21 पे करनी है। सो दोज रूल्स आर काइंड ऑफ आउट। तो जब वो रूल्स आउट हो जाते हैं एंड यू आर पुटिंग दिस न्यू होल सिचुएशन वे वर्क इज गोइंग टू बी द न्यू थिंग, एंड आईटी है या तो डेंटिस्ट्री है और द गर्ल इज परस्यूइंग लॉ, जो भी। तो इन दिस काइंड ऑफ अ मैटर क्या हो जाता है कि अपनी सोसाइटी में ही टू फाइंड अ बॉय ऑफ योर कैलिबर, योर चॉइस, यू नो, इट्स काइंड ऑफ कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है। और स्पेशली व्हेन यू आर वर्किंग अवे फ्रॉम होम, जैसे कि यू आर फ्रॉम बैंगलोर एंड यू आर वर्किंग से इन चेन्नई और यू आर वर्किंग समवेयर एल्स, यू नो, तो ये फैक्टर हो जाता है कि एट दैट टाइम फैमिली नहीं रहता है, फ्रेंड्स भी, यू आर मेकिंग न्यू फ्रेंड्स। सो द थिंग ऑफ मीटिंग समबडी completely new in that, you know, area, space is so much more likely. Correct. And that is not necessary ke wo banda ya bandi aapke religion ka hi ho. So it, you know, it can be that wo Christian hai, Punjabi hai or any other religion with, you know, living in a different place, different atmosphere, different religion, different food, there are going to be so many things. And you know, when ek jo language hai, that is love. वो language has no barriers. जब आप किसी के प्यार में गिरते हैं तो ये सोच के नहीं गिरते हैं अरे you know ये तो पारसी है या तो ये क्रिश्चियन है या तो you know ये पंजाबी है या गुजराती है, this doesn't come to your mind. पहली चीज आपके दिमाग में आएगी कि oh I feel so compatible, I feel wanted, मुझे यहाँ पे I have the sparks, बहुत deep sparks है and you just want to be with that person. So at that time you overrule all these other situations जो बीच में आते हैं। But इसका ये भी है कि जब when you get into this kind of a relationship, which is a cross marriage, cross state, interstate, when you say, you know, एक पंजाबी getting married to a Christian or something which is absolutely tremendously cross, जैसे आप बात करेंगे, and from two different places, religion, food, culture differences बहुत ज़्यादा रहते हैं। Too much. Abhi in the initial stage, because the love is there, the palpitation is there, you want to be with that person. Everything looks so perfect. But then jab when you land up staying with this person under one roof for 24 hours, so aap realize karte hain ki yes, there are differences. You know, because your daily habits, jitna simple lagta hai ki क्या है वो सिर्फ पंजाबी ही इज ईटिंग मोर ऑफ पराठास एंड एवरीथिंग एंड आई एम ईटिंग दिस, मैनेज कर लेंगे, पर व्हेन इट बिकम्स इनटू अ रूटीन सेट, यू नो, व्हेन यू आर आप साथ में रहते हो तो यू नो चॉइसेस
रेस्टोरेंट की चॉइसेस, कहीं बाहर जाना, पिकनिक में जाना, कि फ्रेंड्स के साथ जाना, तो क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दीज स्मॉल स्मॉल थिंग्स एंड अप एक्चुअली मेकिंग अ बिग डिफरेंस. करेक्ट, क्योंकि आई थिंक इनिशियली हम एक दूसरे की ख्वाहिशों के हिसाब से या लाइक्स डिसलाइक्स हम कहीं ना कहीं अपनी दबा देते हैं और उनकी प्रायोरिटी पर रखते हैं, वाइस वर्सा. तो जब हम साथ रहने लग जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें फिर रियलाइज होता है कि दिस कैन नॉट बी अ पैटर्न, हमें अपने लिए भी जीना है. और जब हम स्टार्ट कर देते हैं, देयर व्हेन क्लैशेस कम, इज दिस ट्रू? सी क्लैशेस तो जैसे कि दो इंडिविजुअल डिफरेंस पीपल ही है. इवन एक अगर एक फैमिली में से, इवन इफ यू आर अ ब्रदर एंड सिस्टर, आपकी डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस रहने वाले हैं. तो यहाँ तो देयर इज टू वास्ट कल्चरल डिफरेंसेस है. सो द अपब्रिंगिंग इज ओनली गोइंग टू बी डिफरेंट. कहीं के पेरेंट्स मिलिट्री के रहते हैं, सो द अपब्रिंगिंग इज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट. Where, you know, they just can't be laid back. Correct. कि उन्हें ऐसा लगता है नहीं, टाइम पे उठना है, टाइम पे ही खाना है. एंड अदर पर्सन जो है आपका लाइफ पार्टनर कम्स फ्रॉम अ वेरी लिबरल फैमिली विच इज मोर चिल्ड आउट. तो वहां पे आएगा कि ये क्या है, क्यों इतने बजे उठना है, क्यों इतने बजे ही वी हैव टू ईट फूड. सो देयर विल बी अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस इन द अपब्रिंगिंग, द वे दे आर टॉट टू डू थिंग्स. कोई के इतने रिलीजियस रूट्स रहते हैं, वे द पेरेंट्स बचपन से सिखाते कि उठ के मंदिर पहले ही जाना पड़ता है, उसके बाद ही आप कुछ काम शुरू करो. किसी के इतने लिबरल रहते हैं कि उठ के ब्रश किया नहीं, कि नहाए भी नहीं और निकल पड़ते हैं. करेक्ट. सो ऑल दीज थिंग्स आर डिफरेंस ऑफ योर ओन अपब्रिंगिंग. सो वेन यू आर विद अ पार्टनर, कभी चिड़ मचती है कि यू नो ऐसा तो नहीं हो सकता है. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यू हैव नॉट कम हियर टू चेंज द पार्टनर और चेंज इज अपब्रिंगिंग. यू हैव कम हियर बिकॉज यू लव द पर्सन जिससे आपने प्यार किया. यू लव हिम रिगार्डलेस. करेक्ट. यू नो विद ऑल द डिफरेंसेस. सो द कॉमन फैक्टर यहाँ पे ये होना चाहिए कि ठीक है, इफ ही लाइक्स टू डू सर्टेन थिंग्स रिस्पेक्ट इट, एंड इफ योर पार्टनर वॉन्ट्स टू डू समथिंग रिस्पेक्ट इट. बट डोंट ब्रिंग योर थिंग इसकी, नहीं मेरा रिलीजन ही राइट है, मेरी सोच ही राइट है. और अगर तुमने मुझसे शादी की है आफ्टर सम इयर्स, यू नो दे बिकम वेरी एजी अबाउट देयर ओन रिलीजन कि नहीं मेरा रिलीजन फोर्सफुली यू हैव टू एक्सेप्ट इट मोर. या तो जब बच्चे आ जाते हैं तो यू आर लाइक नहीं कौन सा रिलीजन अब बच्चे अपनाएंगे. सम ऑफ देम जैसे कि दोनों को ही सिखाओ, गुजराती भी सिखाओ, पंजाबी भी सिखाओ, या तो यू नो क्रिश्चियनिटी टू गो टू द चर्च ऑल्सो एंड टू गो टू द टेम्पल ऑल्सो, या टू गो टू द गुरुद्वारा ऑल्सो. सो दिस एक्चुअली मेक्स अ मिक्स इन द चाइल्ड्स माइंड. आप ये सोचते हो कि ठीक है वी आर ओपन एंड वी आर टीचिंग बोथ द रिलीजन्स, बट समटाइम्स वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑल गॉड इज वन एट द एंड. तो लेट द चिल्ड्रेन जब वो बड़े होते हैं, लेट देम डिसाइड कि व्हाट दे आर कंफर्टेबल विथ. करेक्ट. डोंट पास दिस रिलीजन थिंग सो यू नो बीइंग एज अ स्टॉन्च बिलीवर कि नहीं ये तो मेरी प्रथा कैसे चलेगी, या तो आगे चल के यू नो मेरे रूट्स क्या होंगे, या तो मेरे पेरेंट्स के साथ मेरे बच्चे कैसे यू नो एडजस्ट करेंगे. बिकॉज व्हेन माय पेरेंट्स कम, मुझे चाहिए कि मेरे बच्चे तमिल में बात करें, और जब बॉयज के पेरेंट्स आते तो ऐसा लगता है कि उन्हें पंजाबी आनी चाहिए. दिस इज नॉट समथिंग हियर दैट यू आर ट्राइंग टू अचीव. करेक्ट. यू हैव टू बी अंडरस्टैंडिंग इन दिस पॉइंट कि ठीक है, लेट देम बी यू नो एंड लेट देम लर्न एंड अंडरस्टैंड दैट ऑल लैंग्वेज इज ब्यूटिफुल. करेक्ट. तो ये कितना टफ है और कितना इजी है इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना, उसको हमेशा यू नो स्टेबल रखना. सो रहमत, इसमें ये बात है कि देखो टफ या इजी कुछ भी लाइफ में नहीं रहता है. इट्स अप टू वन इंडिविजुअल कि आप उसे कैसे देखना चाहते हैं. इट्स आइदर हाफ ग्लास भरा हुआ है या तो इट्स यू नो एम्प्टी. द वे यू सी इट एम्प्टी. तो इट्स द वे यू आर गोइंग टू सी दिस एंड परसीव दिस. तो इसमें ये है कि अगर आप इसे बहुत आसानी से यू नो विदाउट बीइंग मोर रिजिड एंड बीइंग काम पर्सन एंड अलाउइंग कि ठीक है, सम डेज वी कैन डू व्हाट शी लाइक, सम डेज आई कैन डू व्हाट आई लाइक, things can become more easy. अगर वो चर्च जाती है, you can go once in a week with her to the church to make her realize कि ठीक है, I am respecting a religion and you know I have this thing कि I've got married to you और मुझे ये है कि तुम्हारे साथ रहना है, तो
तुम्हारे रिलीजन और तुम्हें भी अपनाना है जो तुम्हें यू नो पसंद है. एब्सोल्युटली. सो इट शुड बी लाइक दिस. एट द सेम टाइम अगर इफ द बॉय इज हैविंग अ सर्टेन काइंड ऑफ अ प्रोटोकॉल और द वे ही इज लिविंग, तो इट्स नाइस कि अगर एज अ वाइफ यू कैन जॉइन टू डू द थिंग्स दैट जो रिचुअल्स में वो मानते हैं. कोई पूजा है, कोई कल्चरल फेस्टिवल है जो उनके घर में बहुत सालों से प्रथा आ रही है, पेरेंट्स आर डूइंग इट, बी अ पार्ट ऑफ इट, यू नो, एंड मेक दिस मोर सिंपलर. एंड स्पेशली जब बच्चे आ जाते हैं, यू हैव टू नॉट बी कि अब कौन सा रिलीजन दे विल लर्न या तो फोर्स देम टू डू, यू नो, दोनों सीखो. यस, आई रादर फील कि टीच देम द राइटनेस आउट ऑफ बोथ ऑफ इट एंड लेट द चाइल्ड learn and explore. उन्हें explore करने दो further than this, because a more deeper language than any other language is the language of love. Correct. And respect. तो when जब बच्चा देखता है कि father and mother एक दूसरे को respect करते हैं, एक दूसरे की बात मानते हैं, साथ में बैठते हैं, खाना भी अगर if it's a पंजाबी खाना तो हफ्ते में समझो तीन बार पंजाबी हो रहा है, तीन बार supposing if it's South Indian तो वो हो रहा है, it's fine. You can have those parameters that you can have all kind of cuisines happening. Correct. And with multi cuisine, अब तो ऐसा कुछ रहा ही नहीं है घर में. Whether you are a Christian or whether you are Punjabi, all sort of food is being cooked. Correct. So I don't think food should be a barrier anymore. But the thing is कि आपकी approach कैसे है in this kind of a situation, and especially with the boys and girls parents. जब वो पिक्चर में आते हैं तो कभी कभी इट कैन बिकम अ लिटिल टर्बुलेंस, जैसे बोलते हैं, क्योंकि यू नो वो पेरेंट्स आर क्वाइट रिजिड कि ये हमारे हिसाब से ऐसे ही होना चाहिए, ये अपने घर में आई है तो यू नो शी शुड एक्सेप्ट आर पार्ट ऑफ द रिलीजन मोर देन हर. सो दैट इज द टाइम आई थिंक द मैन शुड स्टैंड अप एंड शुड से कि नहीं मम्मी, जितना वो कर रही है मुझे भी उतना ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो अपना एक फैमिली छोड़ के आई है. And she is being a part of our family. So I also need to respect this part and mujhe bhi I need to walk 50% ahead. Correct. Absolutely. I agree. And get that balance right out there. You know, so once the balance is there, I don't think ki, you know, now it can become such a more difficult thing with so much exposure in the world and with the gadgets and you know movement and travel and everything. You know, ab ye raha nahi jo ke abhi bhi छोटे छोटे शहरों में है कुछ ऐसा अभी भी कि यू नो रिलीजन और यू नो जात और प्रथा उसके बारे में थोड़ा कुछ है, बट आई थिंक इट्स मोर इन द स्मॉलर सिटीज. एजुकेशन इट्स इवॉल्विंग. जैसे पहले था, आई कुड से लाइक मोर देन 30 इयर्स बैक दिस कुड नॉट बी अ क्वेश्चन. Correct. We could have not been even discussing this because एक world war two ही हो जाता था between the parents, between the family कि ये तो नहीं हो सकता है. They were very clear on it. Very clear. कि करना है तो हमारी caste, हमारी जात, हमारी पसंद से करना है, ये पूरा एक आ जाता था and that used to be the option. Correct. But now I think the parents are also learning to evolve. You know, as the generation is changing, we are getting into the mode of the 21st century. I think these things are opening up. But more over in the smaller cities, you know, which they need to have open-mindedness, jo hai, wo chote shaharon mein abhi bhi aana zaruri hai. Where they need to understand ki religion can't be the boundary ki aap ek dusre vyakti se pyar nahi kar sakte ho. तो इस रिलेशनशिप को जैसे पहले यू नो आप और मैं जानते हैं कि बहुत डिफिकल्ट रहता था और शायद कहीं ना कहीं पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट की वजह से भी तकरार शुरू होते थे एंड सस्टेन नहीं करते हैं फिर ये रिलेशनशिप्स एंड डिवोर्स रेट्स भी आजकल बहुत बढ़ रहे हैं. तो ये क्रॉस मैरिजेस जो है रिलेशन को लेकर, रिलीजन्स को लेकर, स्टेट्स को लेकर, तो इसे हमें आगे रखने के लिए, उसे उस बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या टिप्स को फॉलो करना चाहिए? सेम थिंग बहुत सिंपल है कि जैसे मैंने आपको बताया कि आपको अपने पार्टनर को ट्रस्ट करना पड़ेगा. आपको ये समझना पड़ेगा कि इफ द पार्टनर इज कमिंग 50%, आपको भी 50% आना पड़ेगा. ट्रस्ट नॉट नेचुरल. समटाइम्स क्या होता है कि इट इज नॉट अबाउट बींग सो नेचुरल, लगता बहुत सिंपल है, बट समवेयर यू नो वी टेक दैट ट्रस्ट
एज मोर एज अ ईगो बैटल समटाइम्स कि मैंने जो कहा है वो ही राइट होना चाहिए. सी देर आर टू डिफरेंट थिंग्स एंड समटाइम्स व्हेन वी कोइंसाइड दोस थिंग्स दोस टर्बुलेंस स्टार्ट्स ईगो बैटल चालू हो जाती है कि नहीं मुझे नहीं लगता है कि ये करेक्ट है. यू नो अगर मेरे पेरेंट्स ऐसा बोल रहे हैं तो ठीक ही बोल रहे हैं, सो व्हाट. You know that edgy thing lands up coming sometimes. So the good idea is ki, you know, if definitely you should remember ki what were the points. Aap kya dekh ke ek dusre ke pyar mein gire the? What were the strengths? Jo aapne aapke partner mein dekha tha. Kya tha wo? Ki jo aapko laga ki nahi mujhe isi insaan ke saath meri puri zindagi guzarni hai. So you have to remember those things. And instead of making this relationship more complicated, इसे आसान बनाने के लिए आपके जो parents हैं, you have to inform them कि देखिए ये जो लड़का या लड़की अपने family से जुड़ने वाले हैं कि उनकी प्रथा थोड़ी अलग है, उनका व्यवहार थोड़ा अलग कभी हो सकता है. But that's okay because you know they have not seen the other side कि यहाँ पे कैसे होता है. Correct. So you just have to be more explicitly to your parents and आपको अपने parents को समझाना पड़ेगा. Correct. Both ways. The girl has to do it with her parents and the boy needs to do it with his parents. Correct. It's a very beautiful thing what you're sharing कि you know अपने अपने parents को समझाना और खुद भी समझना कि आपने जब प्यार किया था तो क्या strengths थे. Because I think marriage करने के बाद में एक time आ जाता है जब हम एक दूसरे को बोलना शुरू करते हैं कि शादी तो की है ना, तो I have proved myself. तो उसके बाद you know we kind of tend to forget the responsibilities जो हमने एक दूसरे के साथ वो share करने का promise किया था. तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं you know balance नहीं हो पाती है. That's true because see आपने जो सोचा होता है it's more like a trailer. हम बोलते हैं कि पिक्चर तो भी बाकी है. सो वो ट्रेलर में सब कुछ अच्छा ही दिखता है. यू आर मीटिंग ओनली फॉर सम टाइम और इवन अगर आप लिविंग रिलेशनशिप के अंदर हो, इवन इफ इट्स अ क्रॉस मैरिज बट बिफोर गेटिंग मैरिड इफ यू आर इन लिविंग इन रिलेशनशिप इट्स स्टिल गोइंग टू रन. बट वेन यू डिसाइड टू टेक दिस स्टेप कि यू नो एक्चुअली गेटिंग मैरिड वेन टू फैमिलीज यू नो कजिन्स रिलेटिव्स सारे लोग आएंगे. कभी ऐसा लगता है अरे तुम्हारे पेरेंट्स आ गए सिर्फ तमिल में बात कर रहे थे. आई वॉज फीलिंग सो आउट ऑफ प्लेस. करेक्ट. मुझे तुम्हारी भाषा नहीं समझ में आ रही है. तुम्हारे सारे रिलेटिव्स वही भाषा में बात कर रहे थे. They were doing it purposely. मुझे ये जताने के लिए कि आई एम डिफरेंट. यू नो दीज स्मॉल स्मॉल थिंग्स कैन बिकम अ वेरी बिग इश्यू. सो आपको यू हैव टू बी ऑलवेज इन द मोमेंट कि यू हैव टू रिमेंबर कि मेरा पार्टनर है जिसे ये भाषा बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है. टू मेक दैट पर्सन कंफर्टेबल या टू बी द ट्रांसलेटर कि हाँ चाचा जी ये बोल रहे थे उनका मतलब ये कहना था. यू नो एंड टेक हिम एंड मेक हिम फील मोर कंफर्टेबल और हर मोर कंफर्टेबल इधर अवे. करेक्ट. यू नो तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं दैट यू नीड टू कीप इन माइंड. कभी कभी ऐसा होता है कि आपके घर में बहुत सारे साउथ इंडियंस है तो दे हैव अ लॉट ऑफ रिचुअल्स ऑफ पूजा पाठ. And if you are not one of those, you are going to feel कि सुबह सुबह ये क्या हो रहा है, इतने सारे मंत्र जाप हो रहे हैं, इतना सारा ये सब हो रहा है, हर बात बात पे पूजा, हर बात बात पे पूजा. That can be a certain kind of a thing which becomes too much after a point. But जब ऐसा होता है, you have to learn कि you have to respect your partner to do it in a way which is not bothering each other. कि ठीक है वंस इन अ ईयर और ट्वाइस इन अ ईयर आप करो जिससे द पार्टनर इज ऑल्सो ओके टू बी अ पार्ट ऑफ दिस. यू आर नॉट ओवर डूइंग इट एंड यू आर नॉट स्ट्रेचिंग योर बाउंड्रीज आउट कि आप इतना किसी को नहीं दबा रहे हैं. Correct. कि जिसको उसको फ्रस्ट्रेटेड फील होना चालू हो जाए कि यू नो ये मेरी समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है. सो यू नीड टू ब्रिंग दैट बैलेंस वेरी ब्यूटिफुली सिट टूगेदर अंडरस्टैंड कि अब कैसे करना है क्या करना है. बी अ पार्ट ऑफ ईच अदर. Understanding the differences, you know, even when children are there, as I said, more than ever, ये differences सबसे ज़्यादा तब दिखने चालू हो जाते हैं जब when you have children in place. Well, शीतल हमारा शो एंड होने के लिए आया है तो आपको इससे पहले कोई चीज हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करना है, कोई मैसेज, यू नो, रिलेशनशिप को अच्छा स्ट्रॉन्ग रखने के लिए. The biggest thing that I would like to say before I end the show and to tell the viewers is to understand the language of love and kindness.
अगर आप अपने बच्चों को जो अपने चिल्ड्रन है एंड अराउंड द सराउंडिंग इफ यू कैन स्प्रेड अ स्माइल एंड यू कैन टेल हिम कि यू नो वी लव यू रिगार्डलेस व्हाटएवर यू आर टू गिव देम दैट स्ट्रेंथ एंड टू अलाउ देम टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स ये बिगेस्ट थिंग हो जाएगा बिकॉज समटाइम्स यू नो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन आवर पेरेंट्स व्हेन यू वांट टू गेट इनटू अ क्रॉस मैरिज यू नो सेइंग दैट you know they are so rigid नहीं ये नहीं करना है you know this is against our religion or against this so the best way to explain them is the language of love explaining them कि कहीं कुछ भी change नहीं होगा जो भी आएगा या आएगी is only going to bring happiness in this house and it's all about teaching your children love respect जब ये दोनों चीज आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली यू नो वेदर इट इज गॉड वेदर इट इज द नेबर्स वेदर इट इज एनीथिंग यू विल बी ओनली बी एबल टू स्प्रेड पॉजिटिविटी दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड देयर इज नथिंग मोर सुप्रीम देन दिस पार्ट ऑफ लर्निंग द लैंग्वेज ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट Wow, that's a beautiful message and very deep too. So thank you, Sheetal, for coming on the show और हमारे साथ इस topic पर बात करने के लिए because अभी majorly you know cross marriages हैं and जो tips आपने हमारे साथ share किए I'm very sure कि viewers उन tips को जरूर सुने होंगे और definitely you know भले react ना कर रहे हो अपनी wife के सामने या अपने husband के सामने but उस पर गौर जरूर करेंगे so, thank you once again. Thank you. थैंक यू व्यूवर्स मिलेंगे अगले एपिसोड में तब तक अपना ख्याल रखें थैंक यू